नमस्कार दोस्तों, आप सबका NAS लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अलग अलग सर्किट्स में वोल्टेज डिवीज़न किस तरीके से होता है वो स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो रेजिस्टिव सर्किट्स हैं उन सर्किट्स में वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड होती है वो पता करेंगे। ये दो रेजिस्टिव एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो एक बार लिख दें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका इंडिविजुअल सम होता है। अब दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि R1 के अक्रॉस लेट अस से V1 वोल्टेज होगा और वो वोल्टेज कितना होगा, तो उसका एक सिंपल फार्मूला है दोस्तों। दिस इज़ R1 डिवाइडेड बाई R1 + R2 इंटू सोर्स वोल्टेज। तो V1 इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस और इसकी पोलरिटीज कुछ इस तरीके से होगी दोस्तों। ये आपका V1 है और ये आपका V2 है, वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस। तो V2 की वोल्टेज क्या होगी, V2 वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस, दैट इज R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 इंटू सोर्स वोल्टेज। तो दोस्तों, जब कभी भी रजिस्टिव एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्ट हों तो इंडिविजुअल रजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ 10 ओम और 20 ओम दो रजिस्टिव एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्ट हैं और पूरा ये एक सर्किट है, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा। अब बात करते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 10 ओम के अक्रॉस मान लीजिए V1 है और 20 ओम के अक्रॉस मान लीजिए V2 है, तो V1 वोल्टेज कितना होगा। अभी जो हमने फार्मूला आपको बताया, V1 जो वोल्टेज होगा दोस्तों वो कंसर्न रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट 10 + 20 इंटू सोर्स वोल्टेज आपका दोस्तों 5 वोल्ट है। तो जब आप इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो आपको V1 की जो वैल्यू है वो मिलेगी 10 / 30 इंटू 5, दैट इज 5/3 वोल्ट। और जो V2 वोल्टेज है दोस्तों, जो वोल्टेज 20 ओम्स के अक्रॉस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, कंसर्न रेजिस्टेंस यानी 20 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 10 ओम + 20 इंटू सोर्स पोटेंशियल, सोर्स वोल्टेज आपका 5 है। तो जो V2 है दोस्तों वो बनेगा 20/30 इंटू 5, दैट इज 10/3 वोल्ट। तो इस तरीके से दोस्तों, जब भी रजिस्टिव सर्किट्स हो और वो सब सीरीज में हो तो वोल्टेज हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम बात करेंगे इंडक्टिव सर्किट्स की। इंडक्टिव सर्किट्स का पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि इनका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम रहता है जैसा रजिस्टेंस का रहता है। ये L1 इंडक्टेंस है और ये L2 है, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं और यहाँ से I करंट फ्लो करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो L इक्विवेलेंट है वो कितना होगा इस सर्किट का, L1 + L2। अब दोस्तों हम बात करेंगे वोल्टेज अक्रॉस L1 यानी V1, दैट वुड बी कंसर्न्ड इंडक्टेंस दैट इज L1 डिवाइडेड बाय टोटल इंडक्टेंस ऑफ दिस सर्किट इनटू सोर्स वोल्टेज। ये होगा दोस्तों आपका V1 वोल्टेज। अब V2 जो पोटेंशियल है वो है L2 के अक्रॉस, तो उसका क्या होगा दोस्तों, V2 इज अ पोटेंशियल अक्रॉस L2 दैट इज कंसर्न्ड इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंडक्टेंस ऑफ दिस सर्किट मल्टीप्लाई विद सोर्स वोल्टेज। तो इस फार्मूले से आप
वी टू निकाल सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हमने यहाँ एक न्यूमेरिकल लिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। मान लीजिए अगर कोई पूछे आपसे कि ये 2 हेनरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, वो V1 है, और 5 हेनरीज के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, वो V2 है। तो यहाँ दोस्तों V1 क्या होगा, कंसर्न इंडक्टेंस दैट इज 2 डिवाइडेड बाय टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट 2 + 5 × 10। तो ये बना दोस्तों 20/7 volt। सिमिलरली V2 वो पोटेंशियल है जो 5 हेनरी के अक्रॉस होगा, और उसका फार्मूला क्या होगा, कंसर्न इंडक्टेंस दैट इज 5 / टोटल इंडक्टेंस ऑफ दिस सर्किट 2 + 5 × सोर्स पोटेंशियल दैट इज 10। तो ये होगा दोस्तों 50/7 volt। तो इस तरीके से जब भी कोई इंडक्टिव सर्किट है और वो सीरीज में है तो हम वोल्टेज डिवीजन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट्स की। ये 2 कैपेसिटर्स हैं और दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में कनेक्ट हैं और यहाँ से कोई आई करंट फ्लो करता है। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इनका, 1/Ceq = 1/C1 + 1/C2। अब दोस्तों C1 के अक्रॉस मान लीजिए V1 पोटेंशियल है और C2 के अक्रॉस मान लीजिए V2 पोटेंशियल है। तो V1 कितना होगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, 1/C1 / 1/C1 + 1/C2 मल्टीप्लाई विद सोर्स पोटेंशियल। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अभी यहाँ आपने देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इंडिविजुअल सम है तो आप कंसर्न रेजिस्टेंस या कंसर्न इंडक्टेंस को नोमिनेटर में लेते थे, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल सम है तो उस रेसिप्रोकल कंसर्न कैपेसिटेंस को आप नोमिनेटर में लेंगे। और सिमिलरली V2 जो है दोस्तों ये वो पोटेंशियल है जो C2 कैपेसिटर्स के अक्रॉस दिखेगा। तो कायदे से क्या होना चाहिए, 1/C2 / 1/C1 + 1/C2 × सोर्स पोटेंशियल। तो आप ये ध्यान रखें। कैपेसिटर्स जब सीरीज में कनेक्ट हैं तो वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड होती है। सिमिलरली अब ये एक न्यूमेरिकल्स लिया है मैंने और इसमें आपसे पूछे कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V1 और जो यहाँ का पोटेंशियल है वो V2 है। तो V1 क्या होगा दोस्तों, V1 होगा, आप जब ये फार्मूला यहाँ पुट करेंगे तो अपोजिट रेजिस्टेंस लेना होता है, 3/2 + 3 × सोर्स वोल्टेज। तो ये बना दोस्तों 3 वोल्ट। सिमिलरली अगर आप V2 वोल्टेज निकालेंगे अक्रॉस 3 फेरेड कैपेसिटर तो अपोजिट रेजिस्टेंस यानी इससे डिफरेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, 2/2 + 3 × सोर्स वोल्टेज, इट वुड बी इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इस तरीके से जब भी कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हों तो वोल्टेज डिवीजन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होती है। अब दोस्तों ये तो था ओनली फॉर 2 एलिमेंट्स। इफ वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन व्हाट शुड वी डू। ये आपका रेजिस्टिव सर्किट्स है, यहां से कोई करंट आई फ्लो करेगा, R1, R2 up to Rn। तो ओवरऑल जो आर इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, इंडिविजुअल सम होगा, ये हम पहले कर चुके हैं। और अब आपसे कोई पूछे कि V1 वोल्टेज क्या होगा, तो कंसर्न रेजिस्टेंस यानी R1 / सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस R1 + R2 up to Rn, इसका ये मीनिंग है I = 1 to n sum of all × सोर्स पोटेंशियल। अब कोई आपसे पूछे कि V3 पोटेंशियल बताइए, तो ये क्या होगा दोस्तों, R3 / सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट × सोर्स। अब
इस आरएन के अक्रॉस अगर कोई पोटेंशियल आपसे पूछे दैट इज वी एन, तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? आर एन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस इन द सर्किट मल्टीप्लाई विद वोल्टेज सोर्स। तो ये है दोस्तों एन नंबर ऑफ सोर्सेज व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इज हाउ वोल्टेज डिवीजन इज टेकिंग प्लेस। सिमिलरली फॉर इंडक्टर्स, दीज एन नंबर ऑफ इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा वी वन, एल टू के अक्रॉस एक पोटेंशियल होगा वी टू, सिमिलरली एल एन के अक्रॉस एक पोटेंशियल होगा वी एन। तो इसमें दोस्तों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा? एल वन प्लस एल टू अप टू एल एन, ठीक है। अब वी वन पोटेंशियल होगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा? कंसर्न इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द इंडक्टेंस मल्टीप्लाई विद वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अगर हम चेक करें कि वी एन बताइए क्या होगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस एल एंथ इंडक्टर्स, तो वो होगा एल एन, ये आपका कंसर्न इंडक्टेंस है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द इंडक्टेंस प्रेजेंट इन दिस सर्किट मल्टीप्लाई विद वोल्टेज सोर्स। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वोल्टेज डिविजन। थर्ड, वी आर कंसिडरिंग एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा दोस्तों? इट वुड बी वन अपॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू अप टू वन अपॉन सी एन। तो अब दोस्तों वी वन क्या होगा? वी वन, वी वन के लिए क्या लिखेंगे? वन अपॉन सी वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू अप टू वन अपॉन सी एन मल्टीप्लाई विद वोल्टेज सोर्स। अब कोई आपसे पूछे कि वी एन वोल्टेज ड्रॉप बताइए, वी एन इज द वोल्टेज दैट इज प्रेजेंट अक्रॉस दिस सी एन कैपेसिटर। तो वी एन का मतलब ये हुआ कि कंसर्न्ड कैपेसिटेंस को आप रेसिप्रोकल्स में लिखें, वन अपॉन सी वन सी एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी रेसिप्रोकल वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज वन प्लस सी वन वन प्लस सी टू अप टू वन प्लस सी एन मल्टीप्लाई विद सोर्स वोल्टेज। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर में वोल्टेज डिवीजन। आपने देखा होगा कि जितने भी हमने सर्किट्स लिए हैं वो सभी सर्किट्स हमने सीरीज में लिए हैं। अब किसी बच्चे का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब ये पैरेलल में हो तो तब किस तरीके से वोल्टेज डिवीजन होगा? तो अगर कोई भी सर्किट पैरेलल में है तो पैरेलल में हमेशा आपका वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज डिवीजन इज नॉट टेकिंग प्लेस इफ सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल द नीडी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।